हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फूड इज़ अनीता। तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ बेसन की हलवा की रेसिपी। तो गाइस, हलवा बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे घी। घी यहाँ पे हम लेंगे 3 बड़े चम्मच। सो देसी घी लेना है गाइस। और गाइस, घी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बेसन। बेसन को हम अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे जो हमारा फ्लेम होगा वो मीडियम होगा। और गाइस, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भुनना है। तो गाइस, 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी यहाँ पे लेना है 1/2 कप। और सूजी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भुनना है जब तक कि सूजी से अच्छी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे भुनना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सूजी बेसन का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। तो गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। इलायची हमें लेना है 1 चम्मच। और गाइस, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गाइस, मिक्स करने के बाद पानी को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे लेना है 1 कप। गाइस, हमने यहाँ पे 1/2 कप सूजी और 1/2 कप हमने लिया है यहाँ पे बेसन। और गाइस, सेम क्वांटिटी में हमें यहाँ पे लेना है 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और गाइस, चीनी ऐड करने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। और गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। तो गाइस, यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद। और गाइस, आप देख सकते हैं हमारा हलवा रेडी है। तो चलिए, हलवा को अब हम करते हैं सर्व। तो गाइस, यहाँ पे मैंने हलवा को बाउल में निकाल दिया है। और अब हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद का इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।